नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ विंग और मैं हूँ आपके साथ अलीशा रानी और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है संजय जी जो कि पेशे से बाल के और स्किन के डॉक्टर हैं आई इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इन्होंने स्ट्रगल किया और कैसे डॉक्टर बने क्या कुछ था आ, सबसे पहले सर न्यूज़ विंग टी में आपका बहुत स्वागत है आ, इस आप स्किन के डॉक्टर है और बाल के भी डॉक्टर है कैसे आप मतलब यहाँ तक पहुँचे क्या कुछ सफलता रही और किस किस जगह पे आप जाके इलाज किए सारा कुछ बताइए ये मैं विगत पच्चीस साल से झारखंड में हूँ मैं मूलता रहने वाला पटना जिले का हूँ हमारे पिताजी हेल्थ में डायरेक्टर थे स्वास्थ्य विभाग में उनका ट्रांसफर यहाँ हुआ था एज एडिशनल डायरेक्टर हेल्थ जब झारखंड नया उसमें बन नहीं बना था लेकिन वो परिषद था वहाँ बनने की संभावना थी तो मैं साथ में आया मुझे उस समय अच्छा लगा यहाँ का जलवायु और मौसम जो है कि नहीं बहुत प्रभावित किया और वातावरण यहाँ का भी शांत था तो मैं भी यहीं का होकर रहा गया समझिए फैमिली तो बाद में लाया मैंने प्रारंभिक अपनी जो प्रैक्टिस है वो बिरसा चौक से प्रारंभ की थी एक दवा दुकान में चैंबर था पॉली वहाँ से मैं बैठना शुरू किया और इस तरह से विभिन्न जगहों में जैसा कि रिकमेंटेटिव लोग हैं वो खास करके इसमें ज़्यादा बाहिर होते हैं बताने के लिए कहाँ सर आपके लिए यहाँ जरूरत है वो चाहते हैं इस तरह विभिन्न क्षेत्रों में बैठा रांची के आसपास क्षेत्रों में जैसे कि अब सिल्ली में भी कुछ दिन तक मैंने बैठा हूँ जाता था प्रत्येक सोमवार को गुमला में भी कुछ दिन बहुत दिन तक कुछ दिन क्या बहुत दिन तक गुमला में आ, अल्टरनेट संडे को जाया था फोर्टनाइटली मैंने महीने में दो बार दो बार संडे को एक संडे छोड़ करके के और रामगढ़ में जैसा कि अभी मैं भी अभी फ्राइडे को फ्राइडे प्रत्येक शुक्रवार को मैं जाता हूँ आज भी वो है उसके अलावा उस समय गोला भुरकुंडा इत्यादि में भी कुछ दिन तक मैं गया हूँ तो इस तरह से आसपास के क्षेत्रों में भी मैं मैंने वीक में एक दिन कोशिश रहती थी जाने की ताकि वहाँ के पेशेंट वहाँ क्या है किस बीमारी की बहुत आयता है यह जानने के लिए समझने के लिए क्षेत्रों को उसके बाद फिर धीरे धीरे मैं कन्फाइंड होने लगा और अभी मैं वर्तमान में सिर्फ रामगढ़ शुक्रवार को प्रतिदिन शिवशक्ति मेडिकल हॉल में वहाँ बैठता हूँ जो कि सुभाष चौक से काफ़ी समीप है शिवाजी रोड में आ, इस... सर आपने बताया कि आप अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं तो क्या वहाँ पे निशुल्क सेवा भी देते हैं आप लोगों को नहीं जैसे भी चीज पे कंपनियां दवा कंपनियां औषधि वाली जो है क्योंकि, क्योंकि निशुल्क में तभी अच्छा होता है जबकि उनको औषधि भी मेडिसिन भी कुछ मुफ्त में दी जाए तो हम लोग के पास तो सैंपल रहता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं रहती तो जनरली दवा कंपनियों की तरफ से ये प्रोग्राम बीच में कराते हैं लोग सिप्ला है या और भी कंपनियां जो भी हैं तो वो लोग हम लोग मिलकर के और दवा दुकान मंड तीनों का पार्टिसिपेट होता है एक तिथि निर्धारित करके पेपर में प्रेस विज्ञप्ति दे करके वो उस दिन करते हैं उस दिन निःशुल्क दवा का वितरण भी, भी होता है दवा वो प्रोवाइड करते हैं कंपनियाँ और हम लोग निःशुल्क जो है कि नहीं करते हैं इस ढंग से विभिन्न समय समय पर तारतम्य बैठा करके हमने कई निःशुल्क कैंप आयोजित किए जी जो कि उसका कोई समय निश्चित नहीं होता जब सुविधा के अनुसार जब उनके दवा कंपनी को तरफ से मुख्य रूप से वो इनिशिएटिव लेते हैं कि सर हमारी तरफ से आया है ये ये सैंपल है दवा उसके लिए भी भेजी भी गई है आप जब कहें तो लगाएं हालांकि आप बाल के भी डॉक्टर हैं और आज की डेट में अगर देखा जाए तो बच्चों के भी बाल कम उम्र में ही पकने शुरू हो जाते हैं क्या रीज़न है सर इसका हाँ देखिए असमय बालों का पकना एक समस्या हो भर करके आ रही है जैसा कि पहले था कि बोलते थे कहावत भी कहा था कि ये बाल धूप में नहीं पके हैं तो मतलब कहीं मतलब जो फील्ड वर्क वगैरह रहते थे जिनका उनका बाल जल्दी पक जाता था ऐसी मान्यता थी और ये है भी अल्ट्रा अल्ट्रावायोलेट रहने से बाल जल्दी पकते हैं लेकिन अभी बच्चों में छोटे छोटे बच्चों में भी देखा जाता है कि बालों का पकना ये एक बीमारी है जनरली देखा गया है कि हारमोनल डिसऑर्डर के कारण भी होता है और न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी यानी पोषक तत्वों की कमी जो बाल को रंग प्रदान करते हैं उनकी कमी हो जाती है जिसके कारण से बाल पकते हैं तो उनका ट्रीटमेंट करने पर लाभ होता है जनरली बीस साल से नीचे की उम्र के आयु वर्ग के बच्चों का ही मतलब ट्रीटमेंट करते हैं पच्चीस बीस साल के ऊपर के होने वाले को बोलते हैं कि उससे चाहे बाल कलर कर लीजिए मेहंदी लगाइए जो भी और 20 साल से कम उम्र के बच्चों को मतलब देखा गया है कि अगर उनका जो भी कारण विभिन्न होते हैं जैसा कि मैंने बताया कि पोषक तत्व की कभी भी हो सकती है हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकता है उसी अकॉर्डिंग टू पेशेंट के अनुसार देखा जाता है जो भी हो उसका हम ट्रीटमेंट करते हैं बात करेंगे अगर स्किन की तो आप स्किन में किस किस तरीके से इलाज करते हैं और क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती है सर स्किन में जनरली आजकल के अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ इन्फेक्शन के वजह से भी होता है और कोई दाना वगैरह पिंपल वगैरह होता है तो इस चीज़ का आप कैसे इंस्पायर करते हैं नहीं यहाँ पर मैं इसे दो कटोरी में अगर बांटें तो कोई एक होती है सौंदर्य समस्याएँ सौंदर्य समस्याओं में जैसे बालों का पकना झड़ना बालों में डंडप होना त्वचा तो में मिलाजमा ब्लबिस जिसे, जिसे बोलते हैं छाइयाँ जिसे बोलते हैं मुहासों का निकलना मुहासों के दाग का रह जाना या किसी अन्य घाव के हो जाने के ठीक हो जाने के बाद उसका दाग का रह जाना ये सब सौंदर्य समस्याओं में आती है बाकी जो है संक्रमण इन्फेक्शन वाली बीमारी जैसे फंगल इन्फेक्शन है या और त्वचा तो में खुजली एक्जिमा है जो कॉमन होता है सोरियासिस है आ, आपको आ, इस ढंग से वो डर्मेटाइटिस है कॉन्टेक्ट डरमाटाइटिस मैंने कोई चीज पहन से बहुत सारे देखे होंगे कि हमने ये पहनते हैं जब भी कार के बाड़ी पहनते हैं तो यहाँ इन्फेक्शन हो जाता है उतार देते हैं ठीक हो जाता है इसे कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस है मैंने इसे संक्रमण या एलर्जी वाली तो बीमारियाँ बोलती हैं जो कि प्राचीन काल से अभी जैसे युवा वर्गों में स्त्री हो या पुरुष हो थोड़ा सा अपने अवेयरनेस हुआ है अपने को आउटफिट और के साथ साथ अच्छा दिखने का आकर्षक दिखने की थोड़ी इच्छा ज़्यादा जागृत हुई है थोड़ा कॉन्सियस हुए हैं तो ऐसे पेशेंट भी आते हैं तो सौंदर्य समस्याओं में जैसे मैंने बताया कि अभी मुहासों का निकलना मुहासों के निकलने के बाद दाग का होना या ठीक हो जाने का फिर बार बार मुहासों का निकलना बार बार डंड्रफ का बालों में हो जाना बालों का असमय पकना बालों का झड़ना ये सब सौंदर्य समस्याओं में आती है और जैसा कि संक्रमण वाला रहा तो उसी हिसाब से आ, हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं पहले तो संक्रमण वाले तो शुरू से आते थे अभी सौंदौर्य समस्याओं का लेकर के युवा वर्ग खास करके ज़्यादा पेशेंट का फुटफॉल काफ़ी अपने को हाँ मतलब स्त्रियों में तो था ही और पुरुष भी जो है युवा वर्ग भी वो भी चाहता है कि मैं बिल्कुल आकर्षक दिखूँ बाट रहूँ तो ये इसके लिए उनका भी फुटफॉल बढ़ा है छोटी समस्या लेकर के भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते डॉक्टर से दिखाते हैं चूकी स्किन में काफी कुछ होता है तो आप नाखून को लेके क्या कुछ करते हैं उसके बारे में भी विकृति होती है जैसे कि एक तो डिफिशंसी सिंड्रोम है जैसे पहले याद होगा कि आप बचपन में देखे होंगे कि डॉक्टर के पास जब हम दिखाने जाते थे फिजिशियन के पास पहले तो ऐसा ऐसा स्पेसिलिटी वाला एक डॉक्टर होता था फैमिली डॉक्टर उसी से हम लोग सब चीज दिखा देते तो हम लोग डॉक्टर के बगैर में या किसी फिल्म में टीवी सीरियल में दिखाया था डॉक्टर का तो चरित्र क्या दिखाया था कि आँख दिखाइए आँख के नीचे यू पीपल्स वगैरह आ देखता था नाखून देखता था याद कीजिए तो नाखून में दबा के देखता था हीमोग्लोबिन की स्थिति है कैसी या वाइट पैचेज है कि नहीं ब्रिटल नेल्स है कि नहीं उससे डिफिशेंसी पता करता था नाखून से तो ब्रिटल नेल्स जो है मैंने धारी धारी जैसी हो जाती है ये विटामिन बी की कमी के कारण होता है तो ये एक दूसरा फंगल इन्फेक्शन हो जाता है नाखूनों के अंदर। फंगल आम... का सर देखा जा रहा है, आ, बीच में रोकने के लिए लेकिन फंगल इलाज तो है ही है ऐसा थोड़ी जहाँ संक्रमण है उसका वायरस संक्रमण को छोड़ करके बाकी जितनी भी संक्रमण है सबका इलाज है जैसे आपको कोरोना जो है वायरस था तो वायरस के में भी जैसे सभी सभी वायरसों का इलाज नहीं है लेकिन कुछ एक वायरस का भी ट्रीटमेंट होता है और बाकी जो फंगल बैक्टीरियल है इन्फेक्शन संक्रमण का ट्रीटमेंट करना तो बहुत आसान है खाली ज्ञात होना चाहिए कि संक्रमण किस चीज़ का है किस कैटेगरी का है तो वो तो बहुत दिन से चला आ रहा है फंगल इन्फेक्शन तो बहुत पुरानी आम भाषा में दिनाएँ बोलते हैं रिंग बोलते हैं प्रचलन की भाषा में तो ये तो कॉमन है मैं बता रहा था कि नाखून में जो विकृति होती है उसमें फंगल इन्फेक्शन का सबसे मेन करैक्टर है खुजली लेकिन नाखून में होने वाले जो विकार हैं वो देखने में उसमें कोई खुजली नहीं होती खाली वो डिसकलर कर देता है येलो इज कर देता है डार्क येलो इश कर देता है पूरा नाखून भद्दा देखने में लगता है वैसे वो कंप्लेन लेके आता है वो वास्तव में ओंक्योमाइकोसिस नामक एक फंगल बीमारी है जिसका कि लंबे समय तक इलाज चलता है लंबे समय पर अभिप्राय है कि हाथ के नाखून है तो तीन महीने अगर पैर के नाखून में संक्रमण है तो छः महीने तक दवा दी जाती है और उसका लाभ हो रहा है या नहीं ये करीब तीन सप्ताह के बाद ही पता चल पाता है क्योंकि जब नए नाखून निकल लेते हैं डर ठीक होने लगता है तो उसका ट्रीटमेंट होता है और जैसा कि फंगल इन्फेक्शन है तो जैसा कि दिनों से प्राचीन समय से चला आ रहा है शरीर के विभिन्न भागों में होने वाले फंगल इन्फेक्शन अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं मेडिकल टर्म में जैसे टी डिया क्लोरिस जहांग के बीच में होने वाले सबसे कॉमन है जो पुरुषों में पाया था खास के फील्ड वर्क में जो है वो और शरीर के अन्य भागों में जैसे सभी क्षेत्रों में गोल गोल चकते जैसा सिक्के के आकार का लगभग गोलाकार किरती का वो बड़ा भी हो सकता है सिक्के से बड़ा भी हो सकता है सिक्के से छोटा भी हो सकता है किराना राउंडेड रहता है रेड कलर का और बीच का जो स्किन नॉर्मल होता है इचिंग होती है इंटेंस इचिंग होती है तो ये टीन कॉर्पोरिस कराता है जो शरीर के विभिन्न भागों में है अगर वही अगर हमें जैसे कि हमने कहा कि अन्ना खून में होता है तो ओंक्योम यहाँ पर एक बताना चाहूँगा एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जिसमें खुजली नहीं होती ओंक्योम्यूस के अलावा जिसे आम भाषा में यहाँ धन फुल्ली बोलते हैं और हल्का सफ़ेद फेडेड कलर का रहता है तो चाहे दिखता है लेकिन पेशेंट का कंप्लेन कुछ नहीं होता बोलता है कि इसको कोई परेशानी नहीं है हमें खुजली भी नहीं है जलन भी नहीं है कुछ भी नहीं है तो ये सर लोगों को धारणा है कि ये बहुत बड़ी बीमारी है उस उसमें लोग फिल्म साफ करने वाला केमिकल जो आता था पहले फोटोग्राफी होती थी तो फिल्म को साफ किया था केमिकल से उसको लगाते हैं जबकि सामान्य एक संक्रम ये फंगल इन्फेक्शन है इसका ट्रीटमेंट होता है और ठीक हो जाता है हाँ सर अगर बात करें बाल झड़ने की तो आज के डेट में ये मुख्य कारण बन गया है और कई लोगों को इससे परेशानी हो रही है बड़ा कारण बन के रह गया सर बाल झड़ना इससे लोग कैसे कह पाते हैं कैसे पाएंगे हाँ जैसा कि देखिए इसमें हम दो कैटेगरी में बांटते हैं एक महिलाओं में बालों का झड़ना जिसे हम टेलोजन इफियम कहते हैं टेलोजन इफियम का मेडिकल टर्म में कहते हैं मतलब प्राय मैं आम भाषा में समझाना चाहूँगा कि इसमें पोषक तत्वों की कमी मतलब खास करके प्रोटीन इम्यूनो एसिड इंपॉर्टेंट है बालों के संचरण बनाने में संरचना में तो महिलाओं में जैसे अगर डिलीवरी होती है उनको या नॉर्मल डिलीवरी या कैसे भी उस समय बालों का नहड़ना एक सामान्य प्रायः है क्योंकि डिफिशेंसी हो जाती है प्रोटीन की कमी होती है हीमोग्लोबिन की कमी कॉमन है उनमें महावारी होती है तो इसलिए हमेशा एक महिला में पुरुषों की तुलना में नॉर्मल वैल्यू उसका हीमोग्लोबिन कम है आयरन कल्फ की कमी होना एक सामान्य बात है तो जिसके कारण से बाल झड़ते हैं तो उसमें न्यूट्रिशनल उसका ट्रीटमेंट बहुत लगभग इजीली वे में एक दो महीने में ही ठीक हो जाता है दूसरा सबसे जो हटी है जो पुरुषों में होता है जो गंजापन जिसे कहते हैं मेल पैटर्न बालनेस गंजापन एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया मेडिकल नाम है इसका ट्रीटमेंट थोड़ा टफ होता है हाँ और हेडिटी भी होती है इसमें ये प्योरली हार्मोनल डिसऑर्डर है इसमें लंबे समय तक दवा चलती है रिजल्ट जरूर मिलता है लेकिन रिजल्ट को बनाए रखना यानी बाल निकल गया लेकिन बाल फिर दोबारा बंद होने पर झड़ना ना शुरू हो जाए इस चीज़ को मेंटेन करने में समय लगता है और अगर वो जितना जल्दी पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू कर देता है तो उसको अवश्य लाभ होता है अगर पूरा जो उसको लगाने के लिए हमने एक रोशन देते हैं खाने के लिए टेबलेट देते हैं और कहते हैं कि थोड़ा पौष्टिक आहार लें प्रोटीन युक्त आहार विशेष रूप से हाँ हा, हा, आहार लें और हार्स वाला कोई भी ज़्यादा शैम्पू यूज ना करें नॉर्मल शैम्पू यूज करें अगर हर्बल करते हैं तो और ज़्यादा बढ़िया इस ढंग से कह करके उनको अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो थोड़ा समय लगता है लेकिन उनका रिजल्ट मिल जाता है तो इसी में थोड़ा सा धैर्य बनाना पड़ता है पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी टेनगंज आपको ये अग्रवाल के क्षेत्र जैसे रामगढ़ है कुलवरी एरिया है सदर छटा हुआ जो भी भाग है कुज्जू है उसके बाद जो बंदूक फैक्ट्री है वहाँ पर क्या नाम है उसका रामगढ़ से आगे जो एक स्थान है याद नहीं आ रहा है अभी वहाँ के वहाँ से भी लोग आते हैं ये सिल्ली मूरी मुंडू तमाड़ सिमडेगा इस क्षेत्र से भी पेशेंट जो बहुत आते हैं जबकि सिमडेगा में सिमडेगा में अच्छा खासा पेशेंट हमारे पा, मेरे पास जो है कि आते हैं और विभिन्न समस्याएं लेकर के आते हैं कुछ भी आपने देखा हो एक एक मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा त्वचा रोग में सफेद दाग जिसका कि आपने प्राय अखबारों में पढ़ा होगा विज्ञापन समस्या रहती है कतरी सराय गया इलाज इस कराए इसके बारे में भी बहुत सारी मिथ है तो इसमें यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सफ़ेद दाग एक बीमारी की कैटेगरी में उसे हम मेडिकल टर्म में लेते ही नहीं हैं यह एक समझिए कि सौंदर्य समस्या है सफ़ेद दाग के प्रति जो है कि थोड़ी भ्रांतियाँ भी हैं समाज में कि यह एक संक्रामक रोग है अगर एक व्यक्ति को हो गया दूसरे की भी तो यह मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह पूर्णतः आशंका निर्मूल है कोई इसमें सत्य नहीं है यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इससे कोई स्वास्थ्य को हानि नहीं होती और एक से दूसरे में संचरण नहीं होता अनुवांशिक है ये सत्य है कि अगर पिता को है तो या माँ को है तो उसके संतान को होने की संभावना सामान्य से आ, दस गुना बढ़ जाएगी लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं कि चार बच्चे हों तो चारों को हो या दो बच्चे दोनों को हो नहीं भी हो सकता है उनके पुत्र को भी हो सकता है तो इसमें इलाज करने पर ठीक हो जाता है लंबे समय तक इलाज चलता है परसेंट टू तो परसेंट वेरी करता है इसमें क्योंकि ये बिल्कुल जो है कि नहीं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो इसलिए इसमें ये नहीं कहा सकता कि यही दवा देंगे तो ये इनके लिए मुफीद होगी परसेंट टू तो परसेंट देने के बाद पता चलता है समय पर और ये लंबे समय तक इलाज करने के बाद वह ठीक हो जाता है हाँ लेकिन संभावना रहती है कि आ, उसको दोबारा हो होने की दूसरे स्थान पर ये बनी रहती है बहुत बहुत धन्यवाद सर तो देखा आपने कि ये थे डॉक्टर संजय जो कि पेशे से एक स्किन और बाल के डॉक्टर हैं और हालांकि ये अलग अलग क्षेत्रों में जाके कैंपिंग भी करते निःशुल्क सेवा भी देते हैं क्योंकि अब अलग अलग क्षेत्रों इनका नाम इतना ज़्यादा है कि अलग अलग क्षेत्रों से भी लोग इनके पास ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और स्किन ट्रीटमेंट इतना ये अच्छा देते हैं कि वो खुश होकर इनके पास से जाते हैं तो ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा न्यूज़ ट्विंक के साथ कराची